वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक वाली चीज की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये है एक आरसी डायनासोर। इंडिया में ये जो चीज है ना भाई, सिर्फ मेरे ही पास है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। दोस्तों, आप भी अगर इस डायनासोर को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे, इसका बाय लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा और इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। सबसे पहले इसका बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूं। अपना ये जो डायनासोर है ना भाई, दो कलर्स में मिलता है, ग्रे और ब्राउन। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ब्राउन कलर वाला डायनासोर जो है ना भाई, इस तरह का दिखाई देता है। इस डायनासोर की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमें सिमुलेशन वॉकिंग देखने को मिलती है। यानी कि एक रियल डायनासोर जिस तरह से चलता है, जिस तरह से बिहेव करता है ना भाई, ये डायनासोर भी उसी तरह से बिहेव कर सकता है। तो चलो फटाफट से बॉक्स को खोलते हैं। यार, यहां से बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है। अभी अपने डायनासोर को भी निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई इसकी क्वालिटी कैसी है और इसको चार्जिंग वगैरह किस तरह से करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे ऊपर हमें मिलती है एक यूजर गाइड, इसको रखते हैं साइड में। ओ भाई, ये है अपना एक वेलोसी रैप्टर डायनासोर। ओ माय गॉड, क्या ही डिजाइन है भाई, एकदम फाड़ू चीज लग रही है मेरे को तो ये। तो इसको निकाल लेते हैं यार ध्यान से। इसकी पूंछ देखो यार, अटैच होके नहीं आती है, सेपरेट से आ जाती है। इसकी पूंछ यहाँ पर है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से अटैच करना होता है। ये भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर है सबसे स्पेशल चीज, ये है एक फॉसिल टाइप रिमोट। भाई मेरे को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये एक रिमोट कंट्रोलर है। ओ माय गॉड, इसको रख देते हैं यहाँ पर। और अपने डायनासोर को चार्ज करने के लिए एक यूएसबी केबल भी मिलती है हमें। सबसे पहले इस डायनासोर की पूंछ जोड़ लेते हैं। यार बिल्कुल सही नहीं लग रहा है विदाउट पूंछ का ये डायनासोर। देखो, इस तरह के क्लिक की साउंड आती है और इसकी जो पूंछ है ना भाई, यहाँ पर बैठ चुकी है। ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। फटाफट से इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो आईज है ना भाई, एकदम रियलिस्टिक नजर आ रहे हैं। मेरे को लगता है इन लोगों ने यहाँ पर कंचे लगा रखे हैं। इसका माउथ तो देखो यार, एकदम भयंकर टीथ्स है। और यार, इसका माउथ जो है ओपन क्लोज भी हो सकता है। अंदर की तरफ एक एलईडी लाइट दी हुई है। पंजे तो देखो यार यहाँ पर, ओ भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक से पंजे हैं यार इसके। यहाँ पर एक व्हील लगा हुआ है, इस तरफ भी एक व्हील लगा हुआ है ताकि इस डायनासोर को बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। इस डायनासोर के अंदर एक गजब का मैकेनिज्म भी है, वो देखो गाइस। यहाँ पर एक जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो डायनासोर है ना भाई, इस मैकेनिज्म को यूज करके पूरी तरीके से टर्न भी हो सकता है इस तरह से। पीछे के लेग्स के पास यहाँ पर काफी मस्त तरीके से रबर की पैडिंग भी दी हुई है ताकि इसको काफी मस्त तरीके से ग्रिप वगैरह मिल सके। यहाँ पर भी रबर की पैडिंग है। यहाँ पर भी देखो यार, इसके नाखून कितने ज्यादा तेज है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। वैसे गाइस, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस डायनासोर का नाम आपको पता है तो यार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया हुआ है इसके अंदर। ओ भाई, क्या क्या चीजें डाल दी यार इन लोगों ने इस डायनासोर के अंदर। अभी इसका रिमोट के बारे में बात करते हैं। देखो यार, यहाँ पर दो बटन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक एलईडी इंडिकेटर है, यहाँ पर दो बटन है, यहाँ पर भी दो बटन दिए हुए। इस डायनासोर को मान लो अपने को आगे बढ़ाना है, ये बटन प्रेस करेंगे। पीछे के लिए ये बटन प्रेस करेंगे। लेफ्ट को टर्न करने के लिए ये है, राइट को टर्न करने के लिए ये है। पीछे की तरफ हमें डालनी होती है दो डबल ए बैटरी। इसके सर के ऊपर भी यहाँ पर हमें डेमो का बटन देखने को मिलता है। तो फटाफट से इसको ऑन करके यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताऊंगा, फिर मेरा दूसरा डायनासोर भी आपको बताऊंगा गाइस। ओ भाई साहब, देखो यार, एक एक स्टेप डालकर ये चलता है यार इस तरह से, ये देखो गाइस। तो दोस्तों, अभी करते हैं मजे, अभी इसको चलाते हैं अपन लोग इंडोर में। ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त तरीके से चल रहा है। देखो यार, अपनी पूंछ भी हिलाते हुए चल रहा है। अभी इसको थोड़ा सा सामने की ओर लेके आते हैं। ओ भाई देखो यार, बिल्कुल एक रियलिस्टिक डायनासोर जिस तरह का दिखता है ना भाई, उसी तरह से ये चलने लगता है स्टेप बाय स्टेप। देखो, आगे भी चल सकता है और पीछे भी चल सकता है और इस तरह से ये टर्न भी हो सकता है यार। इसके सर पर एक डेमो का बटन है, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया देखो ये अपने आप ही डेमो दिखाने लगता है। इसको मैंने जैसे ही प्रेस क्या, देखो ये आगे चलने लगा है भाई, अपने आप ये चल जाता है, अपने को कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस डायनासोर के अंदर साउंड इफेक्ट भी मस्त दिया हुआ भाई, ये इस तरह से गुर्राने भी लगता है और भाई लोगों को डराने भी लगता है। अभी देखो, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूं। ओह माय गॉड, एकदम से ये कभी कभी ना गाइस अटैकिंग मोड में भी आ जाता है। और भाई ये जो टर्न लेता है ना, मेरे को ये चीज भी इसकी काफी ज्यादा सही लगती है। तो अभी अपना रोबोटिक डायनासोर भी टेस्ट कर लेते हैं अपन। देखो, इसको मैंने जैसे ही ऑन किया, ये एकदम से गुर्राने लगा है और भाई डरा रहा है दूसरे
डायनासोर को, तो ये फायर ब्रीथ भी कर सकता है। ओहो भाई क्या गजब की चीज है यार ये। अब इस रोबोटिक डायनासोर को थोड़ा सा चला के भी देख लेते हैं, ये रोबोटिक डायनासोर किस तरह से काम करता है। इसको आप लेफ्ट को टर्न कर सकते हो, राइट को टर्न कर सकते हो, और इसके अंदर आप जैसे ही बटन दबाते हो इसके अंदर से एक साउंड भी आने लगती है। इस तरह से ये फॉरवर्ड भी आ जाता है काफी मस्त तरीके से, रिवर्स भी चला जाता है काफी मस्त तरीके से। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक मेरे को लगता नहीं है। रिमोट है ना भाई, काफी सही तरीके से काम कर लेता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलता है। तो चलो अभी फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। ये डायनासोर तो एकदम से गुर्राने लगा है, और भाई दोनों के बीच में फाइट चालू हो चुकी है। यहाँ पर देखो यार, इसका हाथ इसने पकड़ रखा है अपने रोबोटिक डायनासोर ने, इसके ऊपर फायर ब्रीथ कर दिया है। ओ माय गॉड, यहाँ पर पता नहीं गाइस कौन हारेगा कौन जीतेगा पता नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में एकदम काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे रोबोटिक डायनासोर ने इसको पूरी तरीके से डॉच कर दिया है भाई, पूरी तरीके से। ओ माय गॉड, यहाँ पर रोबोटिक डायनासोर ने इसके ऊपर पूरी तरीके से फायर ब्रीथ कर दिया है, और इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। इसके अंदर से भी फायर ब्रीथ के जैसा कुछ दिया हुआ है, पर ये फायर ब्रीथ कर नहीं सकता। यहाँ पर दोनों के बीच में टाई हो चुका है गाइस, कोई भी यहाँ पे जीत नहीं पा रहा है। अभी इन दोनों डायनासोर के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं रेस में कौन सा डायनासोर जीत पाता है। रेस स्टार्ट हो चुकी है, अपना रोबोटिक डायनासोर थोड़ा सा पीछे चल रहा है, अपना वेलोसिराप्टर तो भाई काफी आगे निकल चुका है। देखते हैं गाइस कितनी स्पीड से दौड़ सकता है। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड तो यार बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और देखने में भी रियलिस्टिक दिखाई देता है। पर रेस अपने वेलोसिराप्टर ने जीत ली है। दोस्तों अभी पता चलेगा कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल डायनासोर। यहाँ पे कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं यार यहाँ पर कौन जीतने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर। ओ माय गॉड, सिर्फ एक झटके में ही अपने रोबोट डायनासोर ने इसको गिरा दिया है। यहाँ पे क्लियरली विनर है रोबोट डायनासोर। दोस्तों यहाँ पर अपन लोग एक गजब की चीज करके देखने वाले हैं। रोबोट डायनासोर के ऊपर मैंने रख दिया है वेलोसिराप्टर को, देखो इतना भारी भरकम वेट भी अपना वेलोसिराप्टर कैरी करके लेके जा सकता है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिराप्टर के ऊपर मैंने बैठा दिया है रोबोटिक डायनासोर को। ओ माय गॉड, ये क्या काफी सही तरीके से लेके जा रहा है, मजा ही आ गया गाइस। और भाई ये काफी जबरदस्त तरीके से इसको राइड भी करा रहा है। इसके ऊपर मैं एक और डायनासोर रख दूं ना, तब भी ये काफी सही तरीके से इतना ज्यादा वेट भी कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ एक्सट्रीम करके देखते हैं। वेलोसिराप्टर के ऊपर मैंने रख दिया है एक रॉक क्रॉलर, और भाई इतना ज्यादा वेट भी आगे लेके जा सकता है। पर यहाँ पर देखो राउंड राउंड घूमे जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चल पा रहा है। अभी सेम चीज करते हैं अपने रोबोट डायनासोर के साथ, ऊपर मैंने रख दिया रॉक क्रॉलर। ओ भाई ये गिरते गिरते रह गया। अभी देखो काफी स्टेबल तरीके से ये वेट भी कैरी करके लेके जा रहा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी चल रहा है। अभी करते हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस टेस्ट, देखते हैं यहाँ से निकल पाता है कि नहीं। एक पत्थर क्रॉस, दो पत्थर क्रॉस, और भाई तीसरा पत्थर क्रॉस करने के बाद ये नीचे गिर चुका है। एक और बार ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो यहीं पर ही गिर चुका है। अभी इसके साथ टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये यहाँ से निकल पाता है कि नहीं। अरे भाई इसका तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है, शायद दोस्तों ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा। दोनों के अंदर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम नहीं दिया गया है। अभी फटाफट से रेंज टेस्ट भी करके देख लेते हैं रोबोट डायनासोर को। यहाँ पर मैं आपको चला के बता रहा हूँ, इसके अंदर हमें आईआर सेंसर का रिमोट देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर ये आकर रुक चुका है, अभी बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है रिमोट से। अभी टेस्ट करते हैं यहाँ पर वेलोसिराप्टर के रिमोट को। देखो भाई ये बहुत दूर तक हम लोग चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट हमें देखने को मिलता है। इसकी रेंज तकरीबन 30 से 40 मीटर दी गई है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको वेलोसिराप्टर डायनासोर पसंद है या फिर अपना रोबोट डायनासोर पसंद है, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी का भी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट। सबसे पहला नाम आ जाता है रुशिल, मोनी रे, तुषार, दिलराज कुमार, आशुतोष कुमार, स्टैरी, संदीप, मायूर, निश्चय, बक्शनूर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।